सच्चा आप सच्चा दरबार पाप कमाने पापी जानिए। लो मैं तेरा गल समझा रहा, अठ दस दिन हो गए, भी प्रोग्राम हो गए, जिन्ना ने गुरु नाल त्रो कीता, जिन्ना ने सिखी नाल त्रो कीता, इवन श्री अकाल तख्त साहिब दी उच्चता वड्याई मलियामेट करके गुलाम करके रख दिती है। जेड़े वीर मैनू मैनू कहना पैंदा आख गए ने ते खोरे ए पाप कमा रहे ने जी, जेड़े बोल रहे ने, मैं पूछना चाहना वो तुहाडे नाल भी होया है, तुहाडे नाल भी होया है, तुहाडी एक चंगी गल नू भी अगनोर करके मक्खन विचों कढ़न वाले वाल वांगू तुहानू श्री अकाल तख्त साहिब तों पासे कर दिता गया। इहो गल मैं कहना जिन्हें श्री अकाल तख्त साहिब की महानता गुलाम करके रखा होया है, जिन्हें गुरु का धरोई बन के गुरु के सिद्धांत मलियामेट किया है, ते सारी मन मत लिया के उत्थे खड़ी कर दिती है, जिन्हें सिखी नाल धरोही करके उन्हां कोलों स्वरूप ते सिद्धांत खो लिया ते अगे वेच दिता है, ऐसा मनुख पछाणो। मेरा मकसद तो यह है, मैं तो यह नहीं कह रहा इनू वोट पाओ, मैं कहना इनू वोट ना पाओ, बस वो मैं पछाण देना चाहना, ते उसनू पछाणना साड़ी जिंदगी का निशाना हो गया। ते जे ये भी पाप है, मैं उस वीर को पूछना चाहना जिंदे नाल अपने नाल हुई है, ते ऐथे उन्हें लफज कितने इन्हां दिनां विच वरते ने कि पाप कमाया। मैं पूछना चाहना जिस तरह तुहाडे नाल श्री अकाल तख्त साहिब तो गुलामी का चिन्ह बना के श्री अकाल तख्त साहिब नूं वर्ताओ किया गया है, ते जे मैं उन्हां दा चेहरा बेनकाब करा ये पाप है, ते फिर मैनूं तुसीं समझा दिओ पुण किहड़ा है, कम से कम समझाओ ते सही ना, पुण किहड़ा है। नहीं, गुरु के दरबार अंदर सच आखना, गुरु कहने रब का फैसला है, ये थां ही ऐसी है, इत्थे पाप पुन विचारीए, इत्थे पाप ते पुन दी विचार हुंदी है। जिहड़े लोग गुरु कोलों भी पाप ते पुन दे ज्ञान समझ नहीं लै सकते, मैं समझांगा उन्हां नूं पाप पुन दी सारी कोई नहीं, ये गल गुरु ने भी आख दित्ती, कहन लगे पाप पुन की सार न जाने, पाप पुण्य की सार न जाने, भूला फिरे अजाई, पाप पुण्य की सार न जाने, दूजे लागे परम भुलाणी, धर्म करे सो धर्म ना होवे, धर्म करे सो धर्म ना होए, पाप कमाने पाप कमाने पापी जानिए, सती पहरी सतु भला, सती पहरी सतु भला, बहिए पढ़िया पास, ओथे ओथे पाप पुन विचारिए, घटे
पापां दी लिस्ट बड़ी वड्डी है, पाप लगदे पापे पसारा, मैं केड़ी केड़ी गल तुहाडे नाल सांझी करां। मेरे सामने केस आ जांदा है, सच्चाइयां फाइलां बयान करना चाहना। लुधियाणे दी रहण वाली बच्ची बीबी प्रभजोत कौर, अमृतधारी गुरसिख बच्ची, गुरु की कीर्तनिया बच्ची, उन्हें अपने एजेंट दे राही वरगला के नूर मैलिया आशुतोष लै गया। कुछ दिनों में उसनु पतत कर दिता गया, उनका नाम सुषम भारती जा ऐसा रख दिता गया प्रभजोत कौर तो। उनकी माता रोंदी कुरलांदी ने हर एक अथॉरिटी, धार्मिक ते राजनीतिक अथॉरिटी को हाल पहरिया पाया। श्री अकाल तख्त साहब ते भी भेजिया चिट्ठिया ते सारिया फाइलां, किते भी सुनवाई ना हुई, क्योंकि पिछे कोई RSS वर्गी सोसाइटी बैठी सी। नतीजा ही निकलिया, आखिर वो मेरे को भी आई, उन्हें अपनी सारी फाइल लिया समेत फोटो ने। उस बच्ची नूं इन्ना वर्ग लाया गया कि वो आखे मेरी मां मैनू लैन क्यों आउंदी है। और उनकी चिट्ठी विचों जिहड़ी गल मैनू होर अंदरों कुरलाहट वाली मिली, वो चिट्ठी लिखदी है, कहिंदी है इत्थे तां मेरे वर्गियां 300 बच्चियां होर बैठियां ने, धियां बैठियां ने, किसी का मां प्यो कदी नहीं आया, मेरी मां मेरे मगर क्यों पई। मैं क्या है पंजाब की धरती ते जिहड़ा सिख कदी ये गल आखदा सी मैं दूजियां दियां धियां भैणां छुड़ा के लियांदियां ने, घर घर पहुँचाईयां ने। पंजाब की धरती से पंजाब के रहने वाले मनुख दियां धियां 300 के करीब उस पंजाब की धरती से नूर महली लैके बैठा। चिट्ठी मैं तुहाडे सामने रख सकना, बैठा होवे ते सिख अखवाण वाले कोई कुछ ना कर सकन, बल्कि उस नूर महलिए दे आशुतोष के चरणों में बैठा होया तुहाडा पंथ का परिवार उनके कोलो मदद मंग रहा होवे। फोटो ने कि मैं आखा ये पाप नहीं, ये वो सिख है जिहड़ा कदी लोगों दी धीआं भैणां छुड़ाण दे दावे करदा ते उच्ची आवाज़ां विच एक गौरव ते फखर नाल आखदा सी असीं लोगों दी धीआं छुड़ा के लियांदियां ने। अपनियां धीआं छुड़ा के विखा। पहली मीटिंग हुई श्री अकाल तख्त साहिब ते, ये 3 साल पुरानी गल है, मेरे को सारे सबूत ने। सिंह साहब ने मैनू भी उस मीटिंग विच मैनू भी बुलाया। उनका एजेंडा सी कि पंथ विरोधी कार्रवाइया दे आशुतोष नूर महलिए दे पंथ विरोधी कार्रवाइया दे संबंध विच विचार, ये एजेंडा दिता। क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए सन, बहुत रौला पै चुका सी, खालसा पंचायतों वाले ने भी तगड़े होकर इस इशू नूं लिया सी, बुलाया। दास ने पहला जांदिया एक सवाल किया, बकायदा पेपर चा चुका है, उस वक्त के पेपर मेरे को मौजूद ने। उनके सदा मनजीत सिंह कलकत्ता भी उस मीटिंग में बैठे सन, मनजीत सिंह तनतानिया भी बैठा सी, मेजर सिंह उबोको भी बैठा सी, कुलदीप सिंह बडाला भी बैठा सी, सारे उस मीटिंग में हाजिर सन। मैं हाथ जोड़ के खड़ो के पहले एक लफज कहे, मैं क्या मैं इस मीटिंग की अगली कार्रवाई शुरू होने तो पहला एक तुहाडे कोल सवाल करके जवाब मंगना, ताकि उनके आधार से असं मीटिंग शुरू करिए। मैं क्या मैं पूछना चाहना, आशुतोष नूं तुसीं लिख रहे हो पंथ विरोधी कार्रवाइया के बदले में, तो मैं पूछना चाहना जिहड़ा परिवार उनकी चरण शरण में बैठा है वह कौन है, उन्होंने तुम पंथा करे। मेरा सवाल सी ये भरी मीटिंग में सी, जिन्हें उन्हों को गोलियां खादिया खालसा पंचायतों वाले से जेलों में रहे, उन्होंने तुसा आख्या जी ये कांग्रसी ने, तो फिर मैं आख्या तो बहुत चंगी गल है, तुम स्पष्ट कर दिता भी कांग्रेस आशुतोष के खिलाफ है, तुम नहीं, तुम आप कर दे। जिहड़ा उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लैंदा है उन्हें तुम कहते हो कांग्रसी है, तो जिहड़ा उनकी चरण शरण में परिवार बैठा होना तुम कहते हो पंथ है। पहला इस गल का फैसला कर लो। मैं आप मीटिंग अगली फिर शुरू करने, यह सारी गल पेपर चुकी हुई है। तो
मेरे कहने का मतलब इस तो वड्डे होर गुना पाप की कोई कर सकता है ते किन्नी ढेरी पापा की बोल वड्डा कर सकता है जेड़ा पंजाब ते सिखी दियां धीआं भैणां दी इज्जत मान वड्याई वेच के फिर उनकी शरण में बैठा हो तू मैनू मेरी मदद कर सियासत में मैनू सत्ता ते बिठाउण लई जे साडी सत्ता ते सियासत इन्नी बुजदल ते कमजोर ते इन्नी निगरी हो गई है ते मैं कहना इस सियासत तो भी बचना चाहिए गुरु बख्शिश करे कम से कम साडे धर्म नू जरूर बचा लै साडा धर्म ते निरपक्ष ते स्वच्छ पवित्र बनिया रहे धर्म स्थान पवित्र बने रहन इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जाचे कां फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।